आपने ऐसे बना? नहीं, मुझे बस ही वो आईब्रो चाहिए। वो कह रहा था कि ये मार्कर से बनाया करें आप साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहज़ाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है ना शाम के हो चुके हैं 5:30, और जैसे कि आप सबको पता है लाहौर में एक बहुत ज़रूरी काम से आया था, तो उसी के लिए जा रहे हैं। और आपको शायद मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि क्या काम है। आपको मेरे आईब्रो का तो पता ही है कि आईब्रो मेरा उड़ गया है, कुछ दिनों का नहीं, काफ़ी अरसे का उड़ा हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा ना वो ट्रीटमेंट किया, 3-4 डॉक्टर्स को मैं चेक करवा चुका हूँ, लेकिन सब ने पहले यही कहा है कि ये टैबलेट्स खाओ, इसके बाद फिर आना, फिर देखेंगे। तो वही चलता रहा, टैबलेट्स काफ़ी ज़्यादा खा ली थी तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। लास्ट टाइम हम गए थे ये डॉक्टर मसूद सुहेल है कोई, उसके पास गए थे, उसने भी टैबलेट्स दी थी 42 डेज़ की, वो मैं लेके आया हूँ, लेकिन अभी तक कोई असर नहीं हुआ। आज क्या प्लान है फिर? आज प्लान है एक नए डॉक्टर के पास डॉक्टर पे तब्दील कर दे, डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज कर रहे हैं। नहीं, आज इससे पूछ के आते हैं कि ये हम कर चुके हैं कि इससे अगला प्रोसेस क्या है, कि ये आप भी कोई ट्राई करना चाहते हैं या उससे जो अगला प्रोसेस था वो उसको करें। लेकिन मैंने मोस्टली देखा वो एक दो डॉक्टर को मैंने वीडियोस भी देखी हैं, तो उन्होंने ये जो बाल गिरते हैं ना, बाल कह रहे थे कि बाल चर कह रहे थे उसको, वो कह रहे थे ये इसके इंजेक्शन ही लगाते हैं वो ना, इंजेक्शन लगाते हैं उसको, यानी कि क्या करते हैं इरिटेट करते हैं जो कहते हैं बाल उगाने वाले पोर्स खुलेंगे और नीचे वाला मटेरियल है बाल उगाने वाला वो थोड़ा सा इरिटेट होगा तो बाल उगेंगे। आ जाते हैं थोड़ी देर कर ले, लेकिन आ जाए वापस तो अभी ये भी साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि डॉक्टर ने कहा था कि लास्ट ट्रीटमेंट यही होता है कि इंजेक्शन लगेंगे, उसके बाद फिर आपके बाल निकल आएंगे। तो अभी बस निकलने लगे हैं घर से और चलते हैं, देखते हैं कि डॉक्टर अभी क्या कहते हैं, इंशाल्लाह फिर आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने इसलिए कहा था कि जो अगली कुछ वीडियो आने वाली है ना आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, क्योंकि ना कमेंट्स में ना काफ़ी लोगों ने कहा था भाई ट्रीटमेंट बताएं, क्या कहा डॉक्टर ने, क्या कहा, काफ़ी लोगों का मसला है ये। तो ज़्यादातर ने तो देसी मसले बताए थे नुस्खे, लेकिन देसी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो अभी यार चलते हैं, आपके साथ रास्ते में शेयर करेंगे बाकी की रूटीन भी, और डॉक्टर के जो क्या कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन देते हैं वो भी आपके साथ सबको शेयर करेंगे। तो लेट्स गो, चलें। यस चलें। तो वापसी पे आके ना भाई लियाकत ने आज बनाई है वहाँ पे रेसिपी, अभी चूल्हे पे ही खड़ी है, तो वापसी पे आके हमने वो भी खानी है, पता नहीं क्या गुर दिखाए हैं भाई ने। तरीफ तो बहुत, आप खाएंगे तो आप याद करेंगे कि मैंने किसी शेफ का खाना खाया था। ये जी आज मुनाल वाला और वो कहते हैं ना पीसी होटल वाला खाना घर में ही बना है, तो बगैर टाइम वेस्ट के निकलते हैं, काम कंप्लीट करके आते हैं, फिर आगे खाना खाएंगे। अभी बस हम निकले ही हैं घर से, और आज वैसे हम कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं? आज एक नया डॉक्टर ढूंढा है, ये है इधर कौन सी जगह है, वापडा टाउन में। अच्छा, वापडा टाउन में डॉक्टर ताहिर के नाम से है कोई। अच्छा, स्पेशलिस्ट है, काफी पुराना है, देखते हैं क्या क्या से। अच्छा, तो अभी बैंक आए हैं, थोड़े से पैसे निकलवाने, आपको पता डॉक्टर ना पैसे बहुत ज्यादा लेते हैं तो वो काम पूरा करने में। आज की बहुत ही कीमती अशिया आज हम गाड़ी में डलवाएंगे। अब तो पेट्रोल डलवाते हुए ना बंदा का दिल कांपता है कि यार 140 रुपए लीटर हो गया यार, कमाल का हो गया। एक टाइम था मैं ना 30-35-40 रुपए तक भी मैंने पेट्रोल डलवाया, अपने हाथों से डलवाया, मुझे अच्छी तरह याद है। और आज 140 रुपए, पूरा 100 रुपया महंगा, यार सोच के हैरानी होती है। आफ्टर ऑल इमरान खान का दौर चल रहा है, ये चीज़ें तो आम होती हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, सब्र करो अभी देखो आगे। वो कहते हैं ना सुकून तो कब्र में है, यहाँ कुछ नहीं है। आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, लोग गाड़ियाँ चोरी करते, पेट्रोल चोरी कर लेते हैं गाड़ी में से। लोग अब चुप करके डलवा रहे हैं, पहले बड़ा रोला डालते थे, अब कोई रोला नहीं डाल रहा, चुप करके टीका लगवा रहे हैं। अच्छा ना आदत हो गई लोगों को, लोगों को अब ना महंगाई से नहीं की आदत हो गई। सही बात है, सच में वाकई ऐसा हो गया था, कोई सुनता था यार नहीं, चुप करके डलवा लो रोला डालने का क्या फायदा। नहीं तो उन्होंने कहा ना भाई है ही नहीं, जाओ वैक्सीन नहीं लगवाई आप लोगों ने, तो फिर भी कहते चले, ऊपर से बहाना बना दी। आज से तकरीबन ना पिछली हुकूमत में ना, यानी कि जब होता था ना इस तरह से, तो मतलब एहतजाज होते थे, स्ट्राइक्स होती थी कि ये चीज़ महंगी होगी है क्यों है। आजकल होता ठीक है हो गया डलवा लेंगे, ये भी मिल गया शुक्र करो, उसने वैक्सीन का नहीं पूछा, बस डलवा लो। हाँ जी, तो हम क्लिनिक पहुंच गए
और बहुत ही ज्यादा खामोशी है। खैर बहुत ज्यादा खामोशी ये गुमनाम लग। अच्छा रश आई थिंक नहीं है, तो मास्क पहनते हैं, अंदर चलते हैं, चेकअप कराते हैं और उसके बाद फिर सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। कैसा लगता है डॉक्टर के पास इंतजार करना? सबसे बड़ी जो फिक्र होती है ना जब डॉक्टर के इंतजार में बैठे होते हो कि क्या कहेगा वो। अच्छा तो हमें ना तकरीबन आधा घंटा हो गया या इससे भी शायद ज़्यादा हो गया और इंतज़ार 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 ही हो रहा है। आज कुछ ज़्यादा ही हो गया इंतज़ार। ऐसा बनना है ना ये देखें बिफोर और आफ्टर, तो इसके लिए टाइम तो देना पड़ेगा। आपने ऐसे बनना? नहीं मुझे बस वो आईब्रो चाहिए। मुझे सिर्फ आईब्रो चाहिए, बाकी सब कुछ है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो दूसरा दिन व्लॉग का स्टार्ट हो चुका है। कल आपको पता है हम गए थे डॉक्टर के पास, तो उसने माशाल्लाह से काफ़ी सारी हमें टैबलेट्स बताई थी। टैबलेट्स तो वैसे कम ही थी, स्किन केयर के लिए ऊपर लगाने के लिए कुछ चीज़ें दी थी, तो कुछ तो मिल गई थी लेकिन कुछ रात को नहीं मिली थी तो लेट हो गई थी। तो अभी हम निकले थे तो हमने सोचा कि चलो वो भी ख़रीद लेंगे। एक ट्यूब रह गई लोशन है आई थिंक वो भी, तो अभी बस बाज़ार ही निकले हैं तो वो लोशन किसी मेडिकल स्टोर से ले लेंगे और उसके बाद फिर आपको मैं सारा बताऊंगा कि एक्चुअली में डॉक्टर ने कहा क्या था, क्योंकि ना आप में से काफ़ी लोगों का शायद ये इशू होगा, उनका भी एलोपेशिया होगा या बाल चार जिसे उर्दू में कहते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर ने क्या कहा, इसकी एक्चुअल वजह क्या होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कितने स्टेजेस होते हैं, कितने में ट्रीट हो जाता है, यानी कि मेडिसिन से ही गुजारा चल सकता है या इससे भी कोई आगे वो क्या कहते हैं ना सर्जरी टाइप का एक इलाज भी होता है वो वाला है, तो सब आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो है ना ख़रीद लेते हैं जाके अपना लोशन और उसके बाद फिर मैं आपको सब पहले लोशन खरीदें फिर बाकी। इस भाई को ना ये तो इसको मरने की जल्दी थी या फिर हमें फंसाने की जल्दी थी। आजकल भाई बाबर आजम पाकिस्तान टीम बल्कि पूरी छाई हुई है, इसलिए हर गांव जहाँ भी जाते हैं उनके बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ना आजकल आसिफ अली की फोटो भी होनी चाहिए, शाहीन और ये हसन अली को मेरे ख्याल में थोड़े दिन के लिए हटा देना चाहिए। क्योंकि ना आजकल जो मैच है ना जितवा रहा है आसिफ अली, उसने तीनों मैचों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, पहले में तो शायद उसको मौका ही नहीं मिला, बाकी दो मैचेस में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उसने, उसके अलावा रिजवान भी है, बाबर भी है, मतलब यही संभाले हुए टीम को फिलहाल के लिए। शाहीन बॉलिंग में माशाल्लाह से, और भी सारे बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल टीम अच्छी जा रही है। हम तजिया कर रहे हैं बैठ गए हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा गाइस तो हम आ चुके हैं, सामान वगैरह मैंने अपनी सारी टैबलेट्स वगैरह भी ले ली हैं और इधर जो है शावेज़ तो बड़ा सैड में, ना उसे नींद आ रही है ना उसे आ रही हंसी आ रही है, दरमियान में फंसा हुआ है कहीं। नहीं ये अभी नींद की तरफ जा रहा है, इसको ना नींद आने वाली, वही ना। हाँ जी सोने लगे, बस हो गई है, व्लॉग नहीं बनाना बने थक गया। आप लोग भी पूछ रहे थे कुछ और मैं भी बताना चाहता था, ये इधर अब कुछ चल गया बाहर ना तो बड़ा शोर आ रहा है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर पहले डॉक्टर के पास गए थे तो उसने भी एक बात की थी कि तुम स्ट्रेस लेते हो, तुम्हें कोई परेशानी है तो इस वजह से ना एलोपेशिया लग जाता है। तो मैंने कहा मुझे तो कोई नहीं है, सच में मुझे तो अभी तक कोई पता नहीं है, शावेज़ को पता है, शावेज़ कह रहा है कि मुझे पता है तुम्हें कौन सी टेंशन है। कौन सी है? अच्छा तो दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने भी पहली बात तो यही की कि कोई परेशानी वगैरह है तो इस वजह से तुम्हारा एलोपेशिया यानी कि बाल चल लगा है और वो छोड़ दो। मैंने कहा मुझे नहीं पता, अगर हुई तो बताऊंगा आपको भी। तो पहले ने टैबलेट्स दी थी 42 डेज की, वो मैंने ली, उनका कोई असर नहीं हुआ। तो उसने कहा था उस डॉक्टर ने पहले वाले ने कि आपको ना यहाँ पे इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, उसके बाद आपके ना बाल यानी कि स्टिमुलेट होंगे, आपकी ये पोर्स जो है यानी कि सुराख होते हैं ना बाल निकलने के वो बंद हो जाते हैं, ये और जब इंजेक्शन लगता है ना तो ये पोर्स आपकी ओपन होने लग जाती हैं, आपके जो डिफेंडिंग सेल्स होते हैं ना वो ओपन करना स्टार्ट कर देते हैं और आपके बाल जो है आने लग जाते हैं। तो उसके पास तो फिर हम गए नहीं, हमने कहा नए के पास जाते हैं इंजेक्शन लगाने से किसी तरह बच जाए। नए के पास गए, उसे हमने वो पिछले वाले की रिसिप्ट दिखाई, तो उसने डिफरेंट टैबलेट्स दी हैं थोड़ी सी और कुछ लोशन दी है, मुझे भी एग्जैक्टली नाम नहीं पता, वो दूसरे रूम में मैं टैबलेट्स रख के आ गया हूँ।
तो वो उसने वो लोशन वगैरह दिए हैं दिन सुबह शाम इस तरह से, यानी कि टाइमिंग्स में लगाने हैं। और उसने भी पहली बात यही की कि आप स्ट्रेस लेते हो, और दूसरी बात उसने की कि आप जितना सोचोगे इस बारे में आपके बाल उतने लेट आएंगे। ये कहा उसने, आएंगे ज़रूर, लेकिन ये है कि आप ज़्यादा देर सोचोगे तो ज़्यादा वो क्या कहते हैं ना लेट होते जाएंगे, तो परेशानी इसके लिए नहीं लेनी। और उसने कहा है कि जो इंजेक्शन लगते हैं ना वो होता है लास्ट स्टेज, जब आपके किसी भी तरीके से बाल नहीं आ रहे तो फिर आपको लास्ट पे इंजेक्शन लगाते हैं और फिर आपके बाल आ जाते हैं। उसने ये भी कहा है कि जो इंजेक्शन होता है उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, और जो फेस का प्रॉब्लम हो इस तरह तो उसके लिए हम जो है ना थोड़ा ग्रेज करते हैं, क्योंकि इससे ना वो जगह वाइट भी हो सकती है जहाँ इंजेक्शन लगता है। डॉक्टर ने कहा था कि आपके फेस पे लगे ना तो मे बी, अल्लाह ना करे, मतलब कि चांसेस होते हैं, चांसेस बहुत ना कहते हैं 1% चांसेस होते हैं कि ना वाइट जगह हो जाए, जहाँ पे लगता है ना वो एक वाइट सा निशान बन जाता है इंजेक्शन। तो डॉक्टर ने कहा कि फेस एक सेंसिटिव जगह है, आपको पता सबको नज़र आता है, तो इस जगह पे अभी नहीं लगाते, और कहीं और होता सर में होता फिर होता तो फिर उसी वक्त इंजेक्शन लग जाते, कोई मसला ही नहीं था, बाल आपके आ जाते आप ठीक हो जाते। लेकिन यहाँ पे ये एक पहले टैबलेट्स लो, इंशाल्लाह इनसे आपके ठीक हो जाएंगे और कोई मसला नहीं हो। जो इंजेक्शन वाला वो बता रहे हैं वो कहते हैं कि वो एक लास्ट स्टेज होता है, जब किसी भी तरीके से बाल ना आ रहे हो ना तो फिर इंजेक्शन लगा देते हैं। वो ये भी तो कह रहा था कि आ जाएंगे परेशान होने वाली बात, ये भी कह रहा आप परेशानी लेना छोड़ दे, और वो कह रहा था कि ये मार्कर से बनाया करें आप ना। अच्छा, आप में से भी काफी ने कहा था कि ना लेडीज जो पेंसिल यूज करती है ना यहाँ पे, तो वो लगा लिया करें आपका आईब्रो पूरा नजर आएगा। डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा कि जब तक बाल नहीं आते आप वो यूज करो, और ये एक ना स्लो प्रोसेस है, तकरीबन 3 से 4 महीने लगेंगे आपके बाल आने में। 3 महीने में तो वो कह रहे थे कि आप इसे रूट्स बनती हैं, तो बालों की रूट्स बनती है 3 महीने, मैं कहता हूँ महीने में निकल रहा है, तो इस तरह तो होने वाला नहीं है। तो अब मुझे ना ये तसल्ली है कि ना स्लो प्रोसेस है, आराम से होगा, तो इंतज़ार करेंगे आ जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर ने ये कहा कि ये परेशानी नहीं लेनी कि ये आएंगे नहीं, ये वो इस तरह का मसला नहीं है कि बाल झड़ गया ये वो, दिस इज़ एलोपेशिया और ये बाल लाजमी आ जाते हैं। तो आपका आई होप आपके सारे जो डाउट्स है ना क्लियर हो गए होंगे, तो जिनका मसला है वो भी फिक्र ना करें, स्लो प्रोसेस है, इंतजार करें, सबर का फल मीठा होता है। फिलहाल जो है ना आपको सारी आई थिंक समझ आ गई होगी, वीडियो पसंद आई है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था थोड़ी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, थोड़ी सी टेक्निकल बातें हो जाएंगी, की तो मैंने कभी नहीं लेकिन मैंने चलो आज कर लेते हैं। अच्छा, तो आपको आई थिंक सारी समझ आ गई होगी, तो फिलहाल जो है ना वीडियो को खत्म करते हैं। शावेज कह रहा है कि मेरे सोने का टाइम हो गया, तो प्लीज मुझे सोने दें, मुझे तंग ना करें, आप जाए अपना काम करें, मुझे सोने दें। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।